हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा नथिंग 2A फ़ोन है, तो नथिंग 2A फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में OTG ऑप्शंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे OTG कनेक्शन कनेक्ट कर सकते हैं नथिंग 2A फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि OTG को कैसे कनेक्ट करें और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं नथिंग 2A फ़ोन में। तो बताने वाले हैं कि OTG कनेक्ट कैसे कर सकते हैं नथिंग 2A फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में OTG कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है, तो OTG कनेक्शन ऑप्शन आपके फ़ोन में आ जाएगा, जिस पे जाकर OTG कनेक्शंस को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो ये OTG कनेक्शन ऑन करते हैं, तो ऑन करते कोई भी OTG वायर या पेन ड्राइव अपने फ़ोन में लगाते हैं तो आपके फ़ोन में OTG कनेक्ट हो जाएगा, जिससे वायर वायर के जरिए OTG को कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी OTG को कनेक्ट कर सकते हैं अपने नथिंग 2A फ़ोन में, और OTG भी कनेक्ट कर सकते हैं नथिंग 2A फ़ोन में। इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन में OTG कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं, बस OTG सेलेक्ट कर लेंगे। तो OTG सेलेक्ट करते ही आप OTG सेटिंग्स पे चले जाएंगे और OTG को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कनेक्शन सेटिंग पे जाकर OTG को ऑन करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए।